स्वागत है मित्रों एंड मित्रहणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और अभी बहुत ज्यादा ना वापस मुद्दा उसके ही पास पहुंच गया जिसके पास से शुरू हुआ था। कच्चा बादाम, इतना कच्चा बादाम चला कि कच्चा बादाम का पीछा आज तक दुनिया छोड़ ही नहीं रही है। नवर के बारे में क्या कहने चाहिए? जल्दी जी, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे डब किया हो बाद में, क्योंकि वो बेचारी तो रिएक्ट ही नहीं कर रही। उसने दिमाग से डिलीट ही कर दिया नाम मुनावर का, कि कोई मुनावर के बारे में बोले तो देखो ही मत, बाल जमा लो अपने दो चार बार ऐसे करके। और इसकी क्लिप वायरल हुई थी जहां लोकअप में आई लव यू बोल रही थी उसको लिपसिंग करके। मुझे ही बोल देती बहन, समझ तो वैसे भी आ ही रहा था सबको। फाइनली मुनावर जीत गया, क्या बोलोगे? कुछ भी, ये तक नहीं बोल रही कि कुछ बोलना नहीं चाहती इसके बारे में ऐसे करके। भाई किस किस को सेलिब्रिटी बना दिया दुनिया ने। भाई जो पुरानी कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी वीडियो लीक वाली, उसकी वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है, मेरे सामने आई थी, आप भी देखो। कुछ समझ आए तो मुझे भी समझा देना। डीएसपी थे तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, हम चारों गए। तो उन्होंने कहा कि अभी भीड़ है, लाइन लगी हुई है, तो तुम बैठो, 10 मिनट में मैं चलता हूं, साथ में दर्शन करा के लेकर आता हूं। कौन से डीएसपी साहब है जो इतने फ्री है कि इंस्टाग्राम पे कच्चा बादाम करने वाली लड़कियों को दर्शन कराने के लिए टाइम निकाल रहे हैं? हम लोग तो जाते हैं तो हम तो धक्का खाते हुए जाते हैं नॉर्मल लाइन से। वीआईपी तो छोड़ो, इनको तो स्पेशली डीएसपी पर्सनली लेके गए। वो हमें गए अच्छे से बढ़िया दर्शन करा कर लाए, इतने अच्छे दर्शन कराए, मैं उनको बस एक थैंक यू बोलना चाहती थी। दर्शन अच्छे कैसे कराए यार, भगवान दिख गए, दूर से दिखे, पास से दिखे, दर्शन अच्छे कराए का क्या मतलब है? ये खड़ी हुई पिक्चर क्लिक की और मैंने उसको अपने इंस्टा की स्टोरी पे पोस्ट किया कि थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे दर्शन कराए, डीएसपी जम्मू कश्मीर। दैट्स ऑल। उन्होंने क्या करा, जो भी ट्रोलर्स, तो उन्होंने उनका फेस उठाकर वो चीज उस पे लगा दी। और मैं लॉकअप के बाद, सोचने की बात ये है कि ये जब लॉकअप के अंदर थी तब वो वीडियो लीक वायरल जो भी था हो चुकी थी, और ये जो फोटो डली है बहुत बाद में डली है, तो वो फोटो उसकी मुंह वहां कैसे। भाई मैं तो कहता हूँ चलो वीडियो फेक बोल दो, कुछ भी बोल दो, और गलत बात है ऐसी वीडियोस लीक करना, वायरल करना, पर उसके बाद ये जो ऐसी अजीब तरीके की वो देते हैं ना ये लोग बाहर आके टिप्पणी, ये और अजीब होती है कि तुम खुद को बचाने के लिए जो झूठ बोल रहे हो उसको देख के तो आओ कि क्या बोल रहे हो। ये सेंस भी बना रहे, सेंसलेस है ये पूरा का पूरा। जैसे वो कुल्लड़ पिज्जा वाले के टाइम भी हुआ था तो वो भैया ने भी आके बोल दिया AI वीडियो है, फिर अगले दिन बोल रहे हमारी है, प्लीज भैया शेयर मत करो। तो एक बार पहले बैठ के सोच लो कि करना क्या है। और अब तो ये मुद्दा पूरा शांत हो चुका है, दोबारा इसके बारे में बात करके उसको वापस याद दिला रही है दुनिया को एक वीडियो वायरल हुई थी कभी। और कितने वो लोग हैं इन सब चीजों में इंटरेस्टेड, वीडियो पे 5.5 लाख लाइक है, 1,90,000 शेयर है, और ये तो फिर भी कम है। दीदी जब कच्चा बादाम कर देती है तो और ज्यादा आते हैं। अभी मेरे सामने एक वीडियो आई थी, कुछ करा ही नहीं उसमें, इतने लाइक है, देखो तुम बता दो मुझे क्या किया, तुम्हें समझ आ रहा हो तो। ये कौन मना रहा है कच्चे बच्चे खाने वाले गाने और उसके ऊपर ऐसी लिपसिंक और उसके ऊपर 9 लाख लाइक, और फिर तुम लोग बोलते हो कि इंटरनेट क्रिंज क्यों हो रहा है। अब क्रिंज पे जब लाइक आएंगे तो क्रिंज ही होगा दूसरा इंटरनेट भी देख के। किस आधार पर? आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स बट आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन दिस। आधे एक घंटे के पॉडकास्ट में 15 मिनट किसी चीज की बात कर लो, फिर बोल दो मैं वेस्ट नहीं करना चाहती अपना टाइम। 15 मिनट ही थे मेरे पास इसके लिए वेस्ट करने के, अब मेरे पास टाइम नहीं बचे। सॉरी। दिस इज फॉर मुनव्वर फारूकी। शब्दों के जादूगर हैं लेकिन लड़कियों, हाँ लड़कियों को भी। पपराजी जब पूछते हैं उससे मुनावर के बारे में, जब कुछ नहीं बोलेगी पॉडकास्ट में जाके, मुनावर फारूकी मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। जी हाँ मुझे पता है बिग बॉस जीत गया, उसके नाम पे व्यूज आएंगे, आपको भी और मुझे भी, हम सबको पता है, तो इसीलिए मुनावर फारूकी। बुरा आदमी बुरा जानते हैं और अपने शब्दों से इंसान को पलटना घुमाना सब जानते हैं। क्यों कह रहे हो? पर दोस्तों सलमान खान की आवाज भी तो इतनी अच्छी है ना कि कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मुझे बीच में रोकना पड़ा। अभी तो विक्की हो गया है और अभी छोटे छोटे विक्की और होंगे सेलू भाई, वो इसीलिए तो कहीं विक्की को टॉप 5 में भी नहीं आने दिया। आप समझ आया मुझे बेटा, विक्की नाम बदल के जाना था विक्की, अभी से को भी जीतने नहीं देते हैं, विक्की को टॉप 5 में नहीं। क्या बात है सेलू भाई? कुछ भी कहो भाई, शालीन था फिल्म भाई 16 में, असली मजा शालीन की वजह से था। मैं थोड़ा स्लिप कर रहा हूँ, यू डाउटिंग रिलेशनशिप? वो एक्टिंग मोड में जाता था, शूट चालू हो जाता था। शालीन बिग बॉस जीतने भी इतने नहीं आया था, शालीन आया था ऑडिशन देने कि लोग जो बाहर से देख रहे हैं, निर्माता निर्देशक कास्टिंग डायरेक्टर वगैरह, वो इसको सिलेक्ट कर ले कि यार अगले शो में इसको ही लेंगे। उसको तुरंत बाद शो मिल भी गया था, वो सक्सेसफुल हुआ, तुम्हें क्या लगा ट्रॉफी चाहिए थी? और इसके बाद वो लोग उसके मुंह पे उठ के चले गए थे, बेइज्जती तो बहुत हुई भाई शालीन की। कुछ भी नहीं, 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 न
बाप रे बेचारा, वो अपनी वाइफ के साथ गया, उससे ऐसी बातें कर रहे हैं, मूंछ भी गायब है। भाई लोगों को रियल नेम नहीं पता, इतना बढ़िया कैरेक्टर बनाओ अपना, इतना उच्च लेवल का कि लोग असली नाम भूल जाए। भयंकर युद्ध चल रहा दोस्तों, पर ये एक कुत्ता बेचारा करेगा क्या इन सब का? ये थोड़ा सा सीन वैसा नहीं लगता जैसे कि एक क्रिएटर ने वीडियो डाली, उसके कमेंट में बहुत सारे हेटर आया करते हुए, और जहाँ एक हेटर पकड़ में आता है फिर उसके ऊपर केस वेस हो जाते हैं, फिर वो ऐसा फंस जाता है बेचारा। तो इसीलिए आजकल बहुत ज्यादा सटकी में रहते हैं क्रिएटर वगैरह, कमेंट करने से पहले सोच लिया करो। वैसे मेरी ऑडियंस तो बहुत प्यारी है, वो करती नहीं ऐसे कमेंट, बाकी मेरे कमेंट में भी एक आध आते हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ सीरियस हो जाऊँ, पर ठीक है मैं छोड़, क्या है यार, अगर आप वीडियो बनाओ तो फिर वो लेना भी सीखना चाहिए, पर आजकल के लोग खतरनाक केस वेस कर देते। अरे बाप रे, गाड़ी के अंदर घुस गया वो भाई, ये तो नाइटमेयर है ये तो, पर ऐसे करना ही नहीं चाहिए। वैसे कुत्ते भी पीछे लगते रहते, एक दिन मैं जा रहा था, मेरे पीछे कुत्ता भाव भाव करता हुआ आया, मैंने गाड़ी रोक दी, रुक के ऐसे इधर उधर देख रहा, मैंने बोला अरे भाई ये क्या गेम चल रहा है, और फिर चला फिर भाव भाव करता आ गया। अरे वाह, बच गया। क्या बात है, समझदार आदमी है, थैंक यू वैंक्यू बोल के गया, ऐसे नहीं, हमारे इधर तो अगर ऐसा हो जाता गाली वगैरह लगते वो अलग बात है कि जिंदा बचा दिया, अभी समझदार है, ऐसा होना चाहिए इंसान। विंटर सीजन, दारू की गर्मी, क्या आदमी पड़ा है क्या उसके अंदर? अरे हाँ रे, मैं तो सोच रहा कुछ होने वाला, कोई पानी में कूदेगा, आदमी पड़ा है। मस्त नींद ले रहा था वो तो। आज मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था, मुझे मेरा पूरा बाल काटना पड़ा, वो आप सब। ऐसा क्या हुआ कि पूरा बाल काटना पड़ा, दीदी टकली होने वाली है, मेरे को तो बड़ा मजा आता है टकली, लड़कियां बहुत रेयर दिखती है क्योंकि लड़कियां टकली नहीं होती, लड़के तो बहुत टकले हो जाते हैं। दीदी का देखो कितना अच्छे से हेयर कल हो गया, ये देख कर मेरा भी हेयर कल करने का जोश आया, जोश में मैंने अपना खुद का होश उड़ा दिया। जोश में खुद का होश उड़ा दी की बाल उड़ा दिए? टेलकॉम यूज किया था मैंने, वो ध्यान से नहीं देख कर, मैंने सिर्फ छोटा वाला कॉम ही देखा था, मैंने ध्यान से नहीं देखा था टेलकॉम के स्टिक में, दीदी ने फंसा, इसमें से निकालोगे कैसे? क्या था बाल वो नहीं देख के मैंने ऐसे ही कॉम पे बाल फंसाना स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद थोड़ी देर रखा, रखने के बाद अब निकालने के बारी आई, निकालने के टाइम जैसे 1 2 3 बोल के लोग करते हैं तो मैं कर रही थी, निकाल रही थी तो नहीं निकल रहा था, मेरा तो डर के मारे पूरा मेरा बाल तो आज पूरा गया बोल के मैं तो पूरा डर गई थी, तो मेरे बहन ने आके ये दीदी ये तो नहीं होगा बोला, उसके बाद मेरा हस्बैंड आया, हस्बैंड में मेरा पूरा बाल कैंची से काटना पड़ा, देखो मेरा बाल का पूरा सर्वनाश कर दिया था मैंने। वो खुद भी वीडियो बनाते बनाते हंस रही है। यू आर इन पटना गया मेमू, भैया है भैया है, छोड़ दो है भैया है, ए छोड़ दो है भैया है, हो ए ए ए ए ए भैया छोड़ दो है, होने मारा है भाड़ा है, अरे किस बात की लड़ाई है ये? अरे भैया वो क्या है? अरे लड़ाई किस बात की हो रही है, किसी को पता है तो बता दो दोस्तों, मैं जानना चाहता हूँ। अरे बाप रे, गिर जाएगा आप लोग, गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। अरे बाप रे, अरे गिर जाएगा, गिर जाएगा। यार मेरे को ये चीज बड़ी अच्छी लगती है, यूपी पटना बिहार साइड कुछ भी हो इज्जत बहुत है, गिर जाइएगा भैया जी, भैया जी क्या कर रहे हैं, भैया जी गिर जाइएगा, भैया जी आपको लग जाएगी, लड़ाई कर लीजिए बाद में कर लीजिए। लात मना है का क्या मतलब है, यहाँ कोई रूल वाली बॉक्सिंग चल रही है क्या? लात मना है, अनलिमिटेड कॉल्स का सही इस्तेमाल। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे के ऊपर उसने वो सामान पटक दिया और वो कॉल से बता रहा है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, क्या अंडरस्टैंडिंग है, मतलब तुम समझो अपने में है क्या इतनी अंडरस्टैंडिंग? मैं अगर तुम्हें कॉल करके बोलूंगा कि लाइक कर दो तब करोगे क्या? मैं तो सामने से बोल रहा हूँ दोस्तों, वीडियो लाइक कर दो और फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।